गाइस कैसे हो आप लोग। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो रेसलिंग बुक्स चैनल। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या जॉन मॉरिसन WWE में रिटर्न कर चुके हैं या फिर करेंगे, और कितने ईयर की डील उन्होंने साइन की है WWE के साथ, तो सब पता चलेगा, बस इस वीडियो को पूरा देखना। चलेगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि गाइस अभी फिलहाल में ही CM Punk ने WWE के बैकस्टेज में अपना रिटर्न किया है, और गाइस खबर पहले भी निकल कर आ रही थी कि जॉन मॉरिसन भी अपना रिटर्न कर सकते हैं और उन्होंने WWE के साथ डील साइन कर लिया है, बट बीच में खबरें जो रुक गई थी। बट आज जो खबर का निकल के आ रही है वो काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि जॉन मॉरिसन ने WWE के साथ मल्टी ईयर डील साइन कर लिया है और वो शायद अगले हफ्ते हमें WWE के बैकस्टेज में देखने को मिल सकते हैं। तो ये बिल्कुल बड़ी खबर है। अब देखते हैं कि वो अपना इन रिंग में कब रिटर्न करते हैं। मुझे तो लगता है कि रॉयल रंबल में ही रिटर्न करेंगे, क्योंकि रॉयल रंबल एक बड़ा पेपर व्यू है और जॉन मॉरिसन बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं, और अगर वो बड़े पेपर व्यू में रिटर्न करेंगे तो उनके रिटर्न को बिल्कुल हाइप किया जाएगा और काफ़ी अच्छा होगा। अब उनके रिटर्न लेकर जो पहले रूमर्स थे वो बिल्कुल सच हो गए हैं गाइज। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ उनके रिटर्न के लिए, क्योंकि गाइज उनके साथ बहुत सारे ऐसे ड्रीम मैचेज हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सेथ रॉलिंस वर्सेस जॉन मॉरिसन, या फिर जॉन मॉरिसन वर्सेस द मिज, या फिर जॉन मॉरिसन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर। बहुत सारे ऐसे ड्रीम मैचेज हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं कि वो अपना इन रिंग में कब रिटर्न करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं गाइस अगली रेसलिंग वीडियो में। बाय बाय।